हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेंटू क्लासेस में। और मैं लवकुश पटेल, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसटीए मेंस के सिलेबस जो कि पोस्ट वाइज है। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि जनरल स्टडी पेपर वन और पेपर टू के बारे में। आज हम बात करेंगे जो अलग अलग पोस्ट आई है, उस पोस्ट के अनुसार हम लोग अलग अलग पोस्ट के जो अलग अलग सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आप देख रहे हैं ये है ऑप्शनल पेपर, थर्ड पेपर ऑप्शनल। मैक्सिमम मार्क्स आप जानते हैं 250 का रहेगा। और ये जो पहला हमारा पोस्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर DHO क्लास 2 ग्रेड 1 एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, इसमें कि आपका पोस्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि मेंस के सिलेबस में क्या है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो सिलेबस है वो आयोग के ही वेबसाइट से लिया गया है, न इसमें किसी तरह का ऐड और न किसी तरह का कट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं DHO के सिलेबस में पहला है एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ UP एंड इंडिया, जो कि आपको ये GS के फर्स्ट पेपर में भी देखने को मिलेगा। दूसरा है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर मेटरोलॉजी, एटमॉस्फेरिक वेदर वेरिएबल्स, ग्लोबल वार्मिंग, कॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, वेदर हैजार्ड जैसे कि ड्राफ्ट, फ्लूड, फ्रॉस्ट, हीट वेव एंड कोल्ड वेव। ये आपका पहले जो कि टॉपिक में आएगा। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा जो लाइन है वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसमें कि इसकी स्कोप, इम्पोर्टेंस, इसके कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और वीड्स एंड देयर मैनेजमेंट। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी कि INM। और उसके बाद है बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इरीगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। उसके बाद तीसरे वाले जो कि इसके पॉइंट में था वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, यानी मानव न्यूट्रिशन में जो कि क्या इम्पॉर्टेंट है फ्रूट्स और वेजिटेबल का। उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, प्रोपागेशन मेथड, लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड एंड प्लांटेशन, प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, प्रूनिंग एंड मैन्यूरिंग, इंडियन परफ्यूम इंडस्ट्री, प्रोग्रेस इन परफ्यूम इंडस्ट्री, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जैसा कि एग्जांपल में मैंगो, गुआवा, आमला, पपाया, बनाना, लीची, बेल, सिट्रस, टोमेटो, ब्रिंजल, ओकरा, कैरेट, चिली बॉटल गार्ड, रोज मैरीगोल्ड, ग्लैडियोलस, एलोवेरा, अश्वगंधा एंड सफ़ेद मुसली, बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर लिमिटिंग फ्रूट प्रोडक्शन, यानी फ्रूट प्रोडक्शन के कौन से बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स हैं उसके बारे में, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ किचन एंड न्यूट्रिशन गार्डन, यानी कि किचन गार्डन और न्यूट्रिशन गार्डन बनाने के इस्टेब्लिश करने के कौन कौन से तरीके हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस जैसे कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट जैसे जैम, जेली, स्क्वैश, पिकल, टोमेटो सॉस, कार्डियल्स एंड एरोमेटिक प्रोडक्ट। ये था पहला पोस्ट जिसमें कि DHO वाली पोस्ट है उसके लिए सिलेबस। अब चलिए आगे चलते हैं दूसरे पोस्ट की तरफ, जिसमें कि है प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर्स के एंड फूड प्रिजर्वेशन ऑफिसर क्लास 2, जिसमें कि फूड साइंस है आपका। इसमें जो पहला यूनिट है वो है प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जैम, जेली, मार्मेलाडेस, कैंडी, पिकल्स, केचप सॉस, स्क्वैश एंड कार्डियल्स। उसके बाद तीसरा यूनिट है इसमें, चौथा यूनिट, इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रूट हैंडलिंग, गार्डनिंग पैकेजिंग एंड टाइप ऑफ स्टोरेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल विद द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ऐसे मेरिट और डिमेरिट भी इसके बारे में आप पढ़ेंगे।
कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैनिंग, कैनिंग का कॉन्सेप्ट, पास्चुराइजेशन, जीरो एनर्जी, कूल चैम्बर, डीग्रीनिंग मैच्योरिटी इंडिसेस, प्री कूलिंग, कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज के बारे में। इसमें जो अगला यूनिट है वो है स्पॉयलेज ऑफ फूड, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड इन रिलेशन टू स्पॉयलेज एजेंट्स। उसके बाद है इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन, इंडस्ट्रियल सपोर्ट्स विटामिन्स प्रेजेंट इन इम्पॉर्टेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद इसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ये था सेकेंड पोस्ट जो कि प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट फूड साइंसेस एंड ट्रेनिंग सेंटर्स की। अगला पोस्ट जो है वो एसटीए का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि है फॉर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी एंड वेरियस ब्रांच ऑफ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, यानी कि आपका एसटीए वाली। इसमें एग्रोनॉमी ब्रांच की जो होगी वो सिलेबस का पहला यूनिट होगा, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चरल मेटरोलॉजी, कंपोनेंट ऑफ एटमोस्फेरिक वेदर, ग्लोबल वार्मिंग, काउज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, वेदर हैजार्ड जैसे कि ड्रॉट, फ्लूड्स, फ्रॉस्ट, हीट वेव एंड कोल्ड वेव, एग्रोनॉमिक क्लाइमेटिक जोन ऑफ यूपी एंड इंडिया, जैसा कि आपको इसके जीएस फर्स्ट में भी देखने को मिल जाएगा। दूसरा यूनिट है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप रिस्पॉन्स एंड प्रोडक्शन फंक्शंस, कंसेप्ट ऑफ सॉइल प्लांट रिलेशंस, कंसेप्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज, कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM एंड प्रिसीजन फॉर एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स। तीसरा यूनिट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम एंड इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर, रिसोर्स यूज इफिशेंसी एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का कैसा एक उत्तम उपयोग करें उसके बारे में। उसके आगे चौथा यूनिट फार्मिंग सिस्टम के बारे में है, जिसमें कि आपका स्कोप, इम्पॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। उसमें अगला यूनिट है वीड देयर करैक्टरिस्टिक्स, वीड बायोलॉजी, ठीक है, डिसेमिनेशन, एसोसिएशन विद द फील्ड क्रॉप, मल्टीप्लीकेशन, वीड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन, फार्मुलेशन, मेथड ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद अगला यूनिट है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड रेन फेड एग्रीकल्चर, जिसमें कि उसके करैक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ रेन फेड एग्रीकल्चर इन इंडिया, कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है एंड कंपोनेंट ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में आपको मीन्स की तैयारी करनी है। इसमें अगला यूनिट देखिए, अगला जो पोस्ट है वो है बॉटनी ब्रांच के, जिसमें कि एग्रीकल्चर बॉटनी और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वाले के लिए है। इसमें आपका है हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिव ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलील्स, जीन इंटरेक्शन एंड मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड जीन मैपिंग, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। दूसरा यूनिट होगा आपका क्रोमोसोम, जिसमें कि उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड स्पेशल टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तीसरा यूनिट आपका होगा नेचर, स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन सिंथेसिस एंड जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशंस। चौथा यूनिट होगा आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, वेरिएबिलिटी, कॉज, टाइप एंड इम्पॉर्टेंस, हेरिडिटी एंड जेनेटिक एडवांस। इसके बाद अगला यूनिट होगा इसी में उसमें जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग वाले में, जो कि होगा मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर सेल्फ एंड क्रॉप क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, हेट्रोसिस एंड इट्स जेनेटिक बेसिस, मेल स्टेरिलिटी टाइप्स एंड कमर्शियल एक्सप्लोटेशन, ब्रीडिंग फॉर बायोटिक एंड ए बायोटिक स्ट्रेसेस रेजिस्टेंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स रेलिवेंस इन एग्रीकल्चर, टिश्यू कल्चर, इट्स टाइप, डीएनए मार्कर्स जैसे कि RFLP और RAPD, FA, AFLP, SSR एंड SNPS,
मार्क असिस्टेड सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप। उसका अगला यूनिट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी सीड प्रोडक्शन। क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के क्या क्या प्रिंसिपल सिद्धांत है, क्लासेस ऑफ सीड्स, सीड टेस्ट, सीड सर्टिफिकेशन एंड सीड एक्ट कौन कौन से थे उसके बारे में। क्वालिटी सीड प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी ऑफ सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड वैरायटी रिलीज एंड DUS टेस्ट। अगला जो ब्रांच है वो है प्लांट प्रोटेक्शन का, जिसमें कि आप पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इन इंडिया, सेटअप ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन इन यूपी, यूपी में और इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट या इम्पोर्टेंट क्या है। दूसरा यूनिट आपको मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, विच आर लीगल, कल्चरल, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तीसरा यूनिट होगा आपका प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, देयर यूजेस एंड मेंटेनेंस। चौथा है इसका स्टोरेज पेस्ट ऑफ सीरियल एंड पल्सेस में कौन कौन सी स्टोरेज पेस्ट लगते हैं उसके बारे में। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन अ मेजर क्रॉप सीरियल, जैसे कि लाइक पैडी, वीट, बार्ले एंड मेज, मिलेट्स में सोरघम एंड बाजरा, ऑयल सीड में मस्टर्ड, सीसम्स एंड सनफ्लावर, पल्सेज में आपका पिंजन पी, ठीक है, पी, चिकपी, लेंटिल, ओट्स एंड मूंग, सुगर कैन एंड कॉटन। इसके बाद इसी में है प्लांट प्रोडक्शन में जेनेटिक्स, जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट प्रोडक्शन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। अगला यूनिट होगा इसमें कॉज ऑफ प्लांट इन्फेक्शन एंड मेथड ऑफ देयर आइसोलेशन। उसके बाद नेक्स्ट होगा केमिकल मैनेजमेंट एंड डिजीज रेसिस्टेंस, सीड ट्रीटमेंट, स्प्रेइंग एंड डस्टिंग, मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायोफंगसाइड एंड एंटीबॉडीज, सिम्टम्स। उसके बाद नेक्स्ट होगा सिम्टम्स, एरिटोलॉजी, ट्रांसमिशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ सीरियल, लेग्यूम्स, ऑयल सीड, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स क्रॉप, इन रेफरेंस ऑफ यूपी, हार्मफुल प्लांट नेमेटोड एंड देयर मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट होगा नॉन इंसेक्ट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। उसके बाद होगा इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज ऑफ फ्रूट वेजिटेबल एंड देयर मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट होगा सॉइल साइंस का, जिसके में केमिस्ट्री ब्रांच है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के, जिसमें कि पहला यूनिट है आपका सॉइल जेनेसिस एंड क्लासिफिकेशन एंड सर्वे, सॉइल प्रोफाइल एंड होराइजंस, फैक्टर एंड प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, सेलियंट फीचर्स ऑफ सॉइल टैक्सोनॉमी, डायग्नोसिस होराइजंस, टाइप ऑफ सॉइल, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर रिजिम्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर ऑफ सॉइल टैक्सोनॉमी, सॉइल्स ऑफ इंडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल सर्वे डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप, लैंड यूज कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। अगला यूनिट है आपका फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स फॉर सॉइल एंड देयर रोल इन मेंटेनिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन, माइक्रो एंड अदर बेनिफिशियल एलिमेंट इन द सॉइल, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सोर्स एंड फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM, लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन सॉइल, केमिस्ट्री ऑफ एसिड, साल्ट अफेक्टेड एंड सबमर्ज सॉइल एंड देयर रिक्लेमिनेशन मेथड्स। इसी में आपका अगला यूनिट होगा सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड बायोडिग्रेडेबल ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, बायो फर्टिलाइजर एंड इट्स एप्लीकेशन इन अ क्रॉप प्रोडक्शन। अगला यूनिट होगा आपका सॉइल टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, सॉइल टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट, मैथड ऑफ सॉइल सैंपल कलेक्शन फॉर एनालिसिस, कॉमन सॉइल टेस्टिंग मैथड यूज इन सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, क्रिटिकल लिमिट्स ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल, स्टेटस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इंडियन सॉइल, सॉइल हेल्थ कार्ड एंड इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी। अगला यूनिट होगा आपका सॉइल वाटर एंड एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम एसोसिएट विथ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी पॉल्यूशन होंगे सॉइल वाटर एयर पोल्यूशन वो आप इसमें डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ नेचर एंड सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट, देयर इफेक्ट ऑन क्रॉप्स एंड सॉइल्स, सॉइल एज अ सिंक फॉर वेस्ट डिस्पोजल, पेस्टिसाइड में जिसमें कि पेस्टिसाइड का देयर क्लासिफिकेशन, बिहेवियर इन सॉइल क्या बिहेव करते हैं, इफेक्ट ऑन सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
toxic element, their sources, behavior in soil, effect on human health, pollution of water resources due to the leaching of nutrient and pesticide, greenhouse gases, carbon dioxide, जैसे कि carbon dioxide, methane and nitrous oxide, MLE, erosion of contaminant soil and water resources. इसी soil science में अगला unit होगा soil erosion, जिसका definition, process, type and factor affecting it. Soil and water conservation measures, agronomical, engineering and forestry. Wind erosion control measures, ground surface and forestry. Wind break at shelter belt. Soil conservation practices to support afforestation of problem sites, ravine and gill land, waterlogged area, salt affected soil, steep hill slopes, landslide and slips. String bank control, sand dune fixing and other wasteland. अगला यूनिट होगा वाटरशेड मैनेजमेंट में, जिसका कि कॉन्सेप्ट क्या, प्रिंसिपल बताइए, ऑब्जेक्टिव, स्टेप्स एंड कंपोनेंट स्कीम्स रिलेटेड टू वाटरशेड मैनेजमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बायो इंडस्ट्रियल वाटरशेड मैनेजमेंट. इससे रिलेटेड आपका प्री में भी एक क्वेश्चन आया था, जिसमें पूछा था कि वाटरशेड मैनेजमेंट एंड स्प्रेइंग टूल्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किए गए थे, जिसमें कि आपका कई ऑप्शन था, गोरखपुर था, बुंदेलखंड था, वाराणसी था, और एक ऑप्शन था शायद प्रयागराज की, और कुछ था प्रयागराज ले लिए. तो इसमें से इसका सही आंसर होगा बुंदेलखंड, इससे रिलेटेड था इसलिए यहाँ डिस्कस कर दिया. अगला जो पोस्ट होगा वो होगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच, जिसमें कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच में आपके आएंगे लगभग सारे एमएससी वाले भरेंगे, और साथ ही साथ इसमें बीएससी वाले भी आएंगे. इसका जो सिलेबस है उसका पहला यूनिट देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इस इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, वेदर हैजार्ड्स जैसे कि ड्राफ्ट, फ्लूड एंड फ्रॉस्ट, एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ यूपी एंड इंडिया. ये लगभग जीएस का ही वो फर्स्ट पेपर का पार्ट है. दूसरा यूनिट होगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसका कि स्कोप, इम्पॉर्टेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न, मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट, बायोफर्टिलाइजर, सॉइल टेस्टिंग एंड सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में. तीसरा यूनिट होगा इसमें प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM, इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट IWM, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर सेड मैनेजमेंट. इसका जो अगला यूनिट चौथा होगा वो होगा रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट इन अ रूरल इकोनॉमी, मशरूम कल्टीवेशन, बी कीपिंग, डिफरेंस एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन इंडिया, कौन कौन से क्रांतियां भारत में हुई उसके बारे में, टाइप ऑफ सीड्स के बारे में, सीड प्रोडक्शंस, फार्मिंग ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, पोल्ट्री फार्मिंग, पिग फार्मिंग, फिशरीज, नर्सरी मैनेजमेंट, कस्टम हायरिंग सर्विस, फूड प्रिजर्वेशन, रोल ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री इन मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज. इसी का अगला जो यूनिट होगा वो होगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एफर्ट इन अ प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का क्या एफर्ट्स रहा है उसके बारे में, रोल ऑफ KVK कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इन एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन कौन से हुए, जैसे कि ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसे TRISEM हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जवाहर रोजगार योजना जैसे कि JRY जानते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा को आपने सुना होगा इसके बारे में, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे IRDP, इंटेंशन एग्रीकल्चर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम जैसे आप, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट OFWM,
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, पर ड्रॉप मोर क्रॉप PDMC, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBI, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PMKSN एंड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग ई नाम, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, किसान क्रेडिट कार्ड KCC, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसे RKBY। तो ये रहा आपका लगभग सभी का पोस्ट वाइज सिलेबस मेंस का। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगभग कि हमने जो कि इसको सेपरेट रूप से अलग अलग तरीके से बनाया है, सभी पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे सिलेबस आराम से मिल जाएगा। आप लोग अपने तैयारी को जो कि रफ्तार दें, और साथ साथ कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, साथ ही साथ अपना एक वैल्यूएबल कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।